यह कहानी काल्पनिक है, कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है, जुआरी लखोटा से बुढ़ा हो गया था, फिर भी सट्टा तेरा था। वह घर पर भी पने से खेल रहा था, उसके ऊपर 400 करोड़ का कर्जा था। तभी वहाँ पर उसकी पोती कुत्तिया आती है। कैसे हो लखोटा दादाजी? लखोटा कहता है, मैं तो बढ़िया हूँ, आ जाओ हम खेलते हैं। नहीं दादाजी, मैं आपकी तरह सट्टेबाजी सीखना नहीं चाहती। हाँ तो तुम हाथ मुंह धो लो या फिर मेरे साथ पने खेलने में लग जाओ। दादाजी आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है? हाँ बनाया है ना, देखो मैंने यह बिस्किट टट्टी में से बनाए हैं। आयुर्वेदिक है, तुम एक बार खाओ तो जरा। कुत्तिया उसे हाथ में पकड़ती है और उसे नीचे रख देती है। मुझे नहीं खाना। दादाजी घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है और इतनी गर्मी भी क्यों लग रही है? बेटा सर्दी का मौसम है, मैंने वह मशीन चालू किया है। फिर दादाजी कहता है, मैं संडास जाकर आता हूँ। कुत्तिया उस मशीन के पास जाती है और उसे घुमाकर मीडियम कर देती है। दादाजी ने उसे छुप कर देख लिया, दादाजी एक नंबर का ठरकी था। कुत्तिया सोफे पर बैठी हुई थी, दादाजी ने उस मशीन में ज्यादा गर्मी बढ़ा दी और दादाजी टट्टी वाले बिस्किट लेकर उनके पास आते हैं। एक बिस्किट तो खाओ तुम। नहीं मुझे नहीं खाना, आप मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। लखोटा कॉफी बनाने जाता है और पीछे से कुत्तिया उस मशीन में से मीडियम कर देती है ताकि गर्मी ज्यादा नहीं लगे। फिर वापस जब दादाजी आते हैं तो देखते कि मशीन में मीडियम कर दिया है, फिर वह घुमाकर ज्यादा गर्मी कर देते हैं और सोफे में आकर बैठ जाते हैं। तभी दादाजी को संडास लगती है, वह पाद पाद कर संडास की तरफ जाते हैं। फिर कुछ क्या फिर से उस मशीन में जाती हो, घुमाकर मीडियम कर देती है। दादाजी संडास करने के बाद फिर से उस मशीन में ज्यादा गर्मी कर देते हैं और कुत्तिया पानी पीने के लिए जाती है। तब देखती है कि मशीन में फिर से गर्मी बढ़ा दी है तो वापस दादाजी के पास आती है और कहती है, दादाजी आप यह क्या करें, हर बार क्यों मशीन घुमाकर गर्मी बढ़ा देते हो? अरे बेटे यही तो जीवन का कोर्स है, हमें वातावरण के हिसाब से रहना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो दादाजी आप? आओ मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर को घिस देता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति का उत्सर्जन हो। फिर कुत्तिया बैठ जाती है और दादाजी पीछे से मालिश करने लगते हैं। फिर क्या आपको पता ही है ना क्या होता है? इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं और एक नई कहानी में।